अगर आप लोगों को पता हो तो ये जगह देखी थी मेरे वीडियो में वडोदरा के, ये है टिम्बी लेक, यहाँ पे मगरमच्छ आते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे ड्रोन उड़ाया था क्या जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। इसका पता नहीं क्या सॉल्यूशन होगा, बट बेचारे लोग का सॉल्यूशन भगवान करे तो बहुत अच्छा है। इंसानों को पता चलना चाहिए कि भाई जानवरों को भी रहने की जगह दो। रास्ते पे देख रहे हो कोई नहीं है, ज्यादातर खाली खाली है। तुझे ऐसा नहीं लग रहा खुद का वीआईपी रास्ता है? बोलते हैं ये देखो मस्त है एकदम। एक बेटा रात के अभी 2:15 यहाँ पे टाइमिंग देख लो, और हम लोग बरोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। विनीत अभी क्या यंग एज आ गई है ना, तो उसको मैं बाहर की ऐसी दुनिया दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसी दुनिया बहुत बार देखी हुई है, बट अभी उसको ये बता रहा हूँ कि रात को कैसे घूमा जाता है, कैसे लोग बाहर रहते हैं, पुलिस वाले कहाँ पे रहते हैं, सब ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे कितनी जगह पे वन वे है, सुबह आते तो हम लोग को ये सब कैसा दिखता है। अभी रात हो गई है 2:15 है, तो अभी तो हम लोग बहुत पीछे थे वहाँ से यहाँ पे आए। अभी किलोमीटर की बात करें तो देखो 41 किलोमीटर हम लोग ने गाड़ी चलाई, यानी काफ़ी अलग अलग एरिया से हम लोग आए, तो सब उसको बता रहा हूँ। रात को ऐसा बाहर घूम रहा तो कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस है। अरे बोल कुछ। अरे यार क्या बोलूं? अरे मैंने तुझसे पूछा कि रात को ऐसा बाहर घूम रहा तो कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मस्त है। ये सब सुबह कितना भीड़ भाड़ वाला रहता है, रात को देख। मार्केट वाला। चलो पूरी वीडियो तो बता नहीं सकता, ये मेन बता दिया। हाँ ये वन वे यहाँ धवल भी आया था ना, धवल को भी बहुत मजा आई थी यहाँ पे घूमने में। धवल को भी बहुत घुमाया था, एक महीना मेरे साथ था ना जब हम लोग बड़ोड़ा आए थे। तो ये बड़ोड़ा का न्यायाधीश बोलते हैं, मतलब नॉर्मल भाषा में बोले तो कोर्ट है यहाँ पे, और गुजराती में लोग न्यायाधीश बोलते हैं। ये देखो मस्त है एकदम। और बाहर ठंडी अच्छी खासी। ये सामने जो दरवाजा दिख रहा है वो बड़ोड़ा के महाराजा का महल था। यहाँ पे मैं अंदर जाके देख के, बहुत ब्यूटीफुल है, बट क्या है वीडियो निकालने नहीं देते, ये एक तकलीफ है। बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। हम लोग अभी यहाँ से राइट मार रहे, लेफ्ट जाएंगे ना तो भाई वो साइड भी बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं बंगलो सिस्टम और बहुत कुछ है यहाँ पे। वहाँ वो ब्रिज पे जाना है, ईस्ट वेस्ट पे जो अपन बोलते हैं ना, एयरपोर्ट टाइप का है। रात को मस्त दिखेगा एकदम वहाँ से। चलो आपको वो दिखाई देता हूँ। यहाँ पे ये तिब्बतन मार्केट है। तिब्बतन मार्केट का मतलब ये होता है कि ठंडी में जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आपको वो वुलन वाले कपड़े मिल जाते हैं जो तिब्बत से आते हैं, और वो लोग ही बेस सेल आउट करते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ोड़ा वाले लोग यहाँ पे बेचते हैं। यहाँ पे ये वाले एरिया में सब लोग कार और बाइक सीखते हैं, बहुत बड़ा मैदान है। ये सब गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं यहाँ पे। हाँ अपने को यहाँ पे जाना है, ये वाला टर्न लेना है। तो एयरपोर्ट ये सब बात कर रहे थे, वहाँ पे भी लाइट बंद कर दी है रात को, और देख अंधेरा अंधेरा दिख रहा पूरा। चलो वहाँ से ना आगे से बड़ोड़ा स्टेशन जाएंगे, अपना कामाटी बाग आएगा। रिक्शा वाला है, वहां से यू टर्न मारा रिक्शा वाले ने। हाँ क्योंकि अचानक वहां से निकला। यहाँ पे मैं एयरपोर्ट की जो बात कर रहा था यहाँ पे कर रहा था, और यहाँ पे यू टर्न है, हम लोग भी यू टर्न ले लेंगे। ये देखो मस्त दिखता है, ये सुबह तो जबरदस्त दिखता है, रात को अगर लाइटिंग और रहती ना अच्छी तो मजा आता, बट यहाँ से यू टर्न ले रहे हम लोग। रास्ते पे देख रहे हो कोई नहीं है, ज्यादातर खाली खाली है। तुझे ऐसा नहीं लग रहा खुद का वीआईपी रास्ता है? आगे पीछे भी ज्यादा कोई नहीं है, गिन चुन के एक या दो ही गाड़ी दिख रही है ना। गाइस एक प्रॉब्लम हो चुका है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या हो चुका है।
मेरे वीडियो में ये डॉग ही देखा रहेगा। ये आंटी है ना, उनकी पार्किंग है यहाँ पे, तो उनकी माँ जो थी ना इधर आके बच्चा पैदा करके गई, तो आंटी ने एक महीने तक अपने यहाँ पे रखा, बाद में ये जो गेट है ना ओपन कर लिया, फिर वो यहाँ पे घूमते थे, मैंने जैसे बताया ना गाड़ी के नीचे आते थे। तो क्या हुआ कि यहाँ के लोग ना बहुत परेशान है, क्योंकि ऐसे गंदा करते थे ना, शीट करते, जैसे देखो ऐसा तो बहुत गंदा होता था, तो लोग परेशान थे। तो क्या किया ये लोग ने, खाली इतना किया कि ये डॉगी को परेशान होके लोगों ने यहाँ पे रख दिया था बेचारे। तो यहाँ पे देखो पूरा धूप है, छाँव नहीं है, तो बेचारे लोग यहाँ पे छुप जाते थे, वहाँ पे छुप जाते थे, फिर वहाँ से ना बाहर जाने की जगह है, तो ये लोग गंदा जो करते वहाँ पे भी करते थे। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया मालूम है, 2 दिन तक रखा, अभी वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अभी यहाँ पे भी झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं जैसे देख रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो जानवर है बेचारा रहेगा कहाँ, इंसानों ने ये लोग की जगह तो यहाँ पे पूरी छीन ली है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे घर लिया, बाकी सब लोगों ने घर लिया, ये जानवर रहते हैं उनको रहने का कहाँ। एक तो आंटी मानो सुबह शाम इनको खाना भी खिलाती है, मैंने देखा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे अपने घर पे भी बच्चे होते तो कैसा है, दूध देते हैं, बिस्किट देते हैं, वैसे सब कुछ इनको खिलाती है, कितने मासूम और क्यूट है, मैं दिखाता हूँ। देखो इसके अभी बेचारे छाँव में है यहाँ पे, क्योंकि धूप है तो छाँव में ऐसे बैठे अपने मज़े में रहते, बट लोगों को इनसे प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे कुत्ते थे वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिए, यहाँ से उठा के वहाँ रख देते, झगड़ा चल रहा है, ऐसा कैसा चलेगा, डिस्कशन नहीं झगड़ा ही चालू है। देखना ये पहले यहाँ पे थे वहाँ पे रखा, वहाँ से अभी यहाँ पे आए, ये लोग रहेंगे कहाँ, इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, बट रहने कहाँ दे रहे बेचारे लोगों को, पार्टी प्लॉट, अरे वहाँ बड़े पार्टी प्लॉट, फिर उनको खाना कौन देगा, उसकी माँ को पता, हम क्या जाने, हमारी बात हमको खाना दे रही है, वो आंटी दे रही थे खाना इनको, वो आंटी इनको खाना दे रहे थे। तो आप लोगों ने उधर से इधर क्यों रखा, किसने उठा के यहाँ पे रखा, सच बोलो, यहाँ तुम दोनों ही नहीं रखा, अच्छा तीनों ने उठा के रखा है, पहले इधर था। ऑर्डर किसने दिया तुम लोग को, आंटी लोग ने, और तुम लोग ने कर दिया, मैं बोलूंगा तो क्या मालूम है फटने वाली है मेरे को सुना आप लोगों ने सुना प्रूफ, इससे पहले ना आधा एक घंटा बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, इसका पता नहीं क्या सॉल्यूशन होगा, बट बेचारे लोग का सॉल्यूशन भगवान करे तो बहुत अच्छा है, इंसानों को पता चलना चाहिए कि भाई जानवरों को भी रहने की जगह दो। यहाँ पे अगर किसी के घर पे जाना है तो बेल नहीं मारने का, फ़ोन नहीं करने का, सीधा आवाज़ देने का, तो ये खिड़की या टेरेस पे से कोई दिखेगा फिर दरवाज़ा खुलेगा, देखना अभी ऑलरेडी मेरे दोस्त लोग ऊपर जा चुके थे क्योंकि पतंग उड़ा रहे। अरे तू आया, परम नहीं आया, मुझे लगा परम आया रहेगा, अच्छा आ जा जल्दी आ, मुझे चश्मे पहने क्योंकि धूप में खड़ा है, मेरे को नहीं बोला वरना मैं भी चश्मे पहन जाता, अरे नहीं दिख रही इसलिए तो मैं बोला चश्मे भी मैं भी पहन जाता, दे दे भैया आप चश्मे पहन रहे, ले यो यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, हाँ नहीं बोरी देखो बोरी, अबे इतनी ऊपर की उड़ा है जो दिखी नहीं रही है, इससे भी आगे उड़ा दिया था सुबह, देखो ना डोरी पूरी थी गाइस, इतनी हो गई, क्या करें, और ये आर्य भैया है, करम वीक चल वीक कैच मार उसे, जा तू जा यार, एक ही पतंग उड़ा रहे खाली, एक ही उड़ाने का क्यों, तो एक छत से एक ही उड़ती है ना, तो ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं उड़ा रहे, अभी इसकी काट डाली, ये क्यों नहीं उड़ा रहे, तू क्यों नहीं उड़ा रहे, देखो वाली, तो ये अभी हमारी गली है, यहाँ से सब जा रहे आंटी लोग, यो गाइस, यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर,
सात से थोड़ी खेल रहे, मैंने गेम स्टार्ट किया था तो मैं अभी थक चुका हूँ तो मैं साइड पे बैठा हूँ, बट ये लोग खेल रहे हैं। अबे तो बोला मैंने कि लगेगा तो मार रे, भागो रे भागो, मार 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 मार। अबे तू सामने क्यों जा रहा है? अबे दोनों एक ही जगह पे, भाई बकरा बनाओ इसको, भाग 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 भाग। हो गया हो गया हो गया, जीत गए जीत गए। खेलते खेलते इतने बच्चे आगे के, बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही है, देख रहे हो कितने सारे बच्चे। मार मार दे जल्दी, किसी को तो लगेगा, पड़ी आउडे आउडे आउडे। हो गया आप लोगों को पता हो तो ये जगह देखी थी मेरे वीडियो में वडोदरा के, ये है टिम्बी लेक, यहाँ पे मगरमच्छ आते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे ड्रोन उड़ाया था, वहाँ पे सनसेट हो रहा है तो मज़ा आ गई। तो अभी तो फिलहाल विनीत और मैं ही यहाँ पे ऐसे बस टाइम पास करने के लिए आए, थोड़ा देख के आते, मैं बोला वैसे हम लोग घूम रहे थे तो बोला कि अरे टिम्बी लेक गए थे ना हम लोग, वहाँ जाते। तो शॉर्ट में बता देता हूँ, वो वीडियो देख लेना, ड्रोन शॉट भी लिए थे और मज़ा आ गई थी यहाँ पे। और मगरमच्छ यहाँ पे है उसका प्रूफ देता हूँ, ये बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड में पढ़ो गुजराती में लिखा है यहाँ पे मगरमच्छ रहता है, ये जो टिम्बी लेगी ना उसमें मगरमच्छ रहता है, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो पता चल जाएगा। और यहाँ पे सनसेट है बहुत ब्यूटीफुल, बरोड़ा में कई जगह ऐसे अभी भी बोलते हैं ना कि गाँव जैसी है, तो वहाँ पे घूमने में मज़ा आता है। अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कांटे वाले पेड़ है, अगर घुस गया ना किसी को तो भारी पड़ जाएगा। ये देखो पूरा ये इमली का झाड़ है, मालूम है ना, हाथ लगा दे तो सुकड़ जाता है, वैसा कुछ है मेरे ख्याल से, सुकड़ नहीं रहा यार, सुकड़ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं सुकड़ेगा। चल चले आगे, हाँ वहाँ पे घर बन रहे, देख सब बंगलो सिस्टम बन रहा है।